मऊदा तहसील के वरना परिसर से बह रही कन्हान नदी में उतरे शिक्षक समेत तीन लोग गहरे पानी में डूब गए। इनमें से एक का शव शनिवार को मिल गया। आज रविवार को सुबह अन्य दो के शव खोजबीन के दरमियान मिले हैं। घटना शनिवार की शाम 5:30 बजे मऊदा थाना अंतर्गत वरना परिसर में हुई। स्वामीनारायण विद्यालय वर्धमान नगर नागपुर के शिक्षक कर्मचारियों विद्यार्थियों समेत 11 लोग पिकनिक मनाने के लिए वरना आए थे। वहां सभी लोग नदी में उतरे। संगीत शिक्षक अभिषेक जितेंद्र भाई चौहान, कर्मचारी हरिकृष्ण वालजी भाई लिम्बाचिया और प्रशांत राजा भाई पटेल गहरे पानी में पहुँच कर डूब गए। अन्य 8 लोग बाहर निकल आए। नागरिकों की मदद से प्रशांत पटेल का शव खोज लिया गया। सूचना मिलने पर SDPO मुख्तार बागवान, मऊदा के थानेदार हेमंत खराबे सहकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर नदी की धारा शांत तरीके से प्रभावित होती है, इसमें गहरा गड्ढा होने का किसी को भी अनुमान नहीं था। बताया जाता है कि नदी में उतरे लोगों में से कोई तैरना नहीं जानता था। अभिषेक, हरिकृष्ण और प्रशांत गहरे पानी में पहुँच कर गोता खाने लगे। यह देख कर साथ आए अन्य 8 लोग शोर मचाने लगे। आवाज उनका परिसर में मौजूद नागरिक मदद के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। रविवार की सुबह खोजबीन दरमियान बाकी दो शव मिले। स्वामीनारायण ट्रस्ट का जो स्टाफ होता ते 11 लोग एकूण आज सायंकाळी 4 वाजता स्कूल बस ने स्वामीनारायण गोरक्षणालय है वळण्याला तिथं ते फिरायला आले। सोबत नाश्ता वगैरह आणला आणि 4 वाजता ते इथं पोहोचले। अर्धा पाऊण तास ते फिरले आणि त्यानंतर खाली नदीमध्ये नाश्ता करायला म्हणून गेले। तर त्यापैकी पाण्यामध्ये जे गेलेले होते हे 3 युवक हे आतमध्ये गेले आणि एकदम पाण्यामध्ये बुडाले। त्यापैकी प्रशांत जो आहे त्याला काढलं तर आणि हॉस्पिटलला पाठवलं, परंतु तो मरण पावला। आणि 2 जे मुलं आहेत ते अजून मिळायचे आहेत, म्हणजे पाण्यामध्ये शोधकार्य सुरू आहे। पाचारण केलं काय? आता स्थानिक बचाव दल काम करत आहे इथं। स्थानिक 2 नाव शोधणं सुरू आहे नावामध्ये। आता उद्याला परत स्थानिक लोकांच्या मदतीनं आणि नावाड्यांच्या मदतीनं मच्छीमार लोक आहेत त्यांच्या मदतीनं आम्ही शोधू। SDPO साहेब, SDO साहेब, तहसीलदार साहेब आलेले आहेत आणि उद्या परत SDRFची चमू जी आहे त्यांना तहसीलदार साहेबांनी सांगितलेलं आहे, ते आल्यानंतर परत शोधकार्य सुरू आहे। हम सभी आज स्पोर्ट्स सैटरडे था, जो छुट्टी थी, तो यहाँ पर घूमने आए थे। नहाने का इरादा नहीं था, लेकिन हम पहले खेत में घूमे, फिर बैग ही लेकर हम नीचे उतरे नदी की ओर और फिर हमने देखा कि पानी बहुत गहरा नहीं है, तो हम सभी चलने लगे पानी में। तो हम सब चल रहे थे अंदर अंदर, लेकिन वो 3 लोग आगे चल रहे थे, तो अचानक से ही उनके सामने मतलब बहुत ही बड़ा गहरा गड्ढा आ गया। फिर वो इतना गहरा था और वो दिखने ही नहीं लगे। फिर उनके हाथ थोड़ी देर दिखाई दिए हमें बचाने की, हमने कोशिश भी की लेकिन हम बचा नहीं पाए। फिर आखिर में 5 मिनट के बाद एक का सिर दिखा हमें ऊपर, वो थोड़ी दूर दिखा से 150 फुट। तो फिर हम आसपास हमने बुलाया आवाज़ की, फिर खेत वाले लोग आए और उन्होंने नाव से उनको बाहर निकाला। अभी तक 2 जो है वो मिले नहीं, किसी को तैरना नहीं आता था, लेकिन पानी गहरा था ही नहीं जब हम चल रहे थे। तो आगे आगे चल रहे थे थोड़े जल्दी पानी में मस्ती करते करते। नहीं, हम जो हम थे वहाँ पर, फिर हम 2 लोग वहाँ पर रुके, वो कहाँ पर डूबे हैं तो मार्किंग के लिए। फिर बाकी के लोग जो वो सीधे आए किनारे पर आवाज़ करने लगे बचाने के लिए। फिर उन्होंने हमारे संस्था के जो सेवक है उनको फ़ोन लगाया, फिर हम वहीं पर रुके रहे। वो सब तो रोने लगे, फिर उनको यहाँ पर गौशाला मिला दिया और यहाँ से फिर वो मंदिर गए। पहला है प्रशांत पटेल, दूसरा हरिकृष्ण लिम्बाचिया और तीसरा अभिषेक चौहान, और इनमें से 2 लोग गुजरात के हैं और 1 उड़ीसा। मैं गुजरात, मैं 10 BAPS सोमनाथ नहीं, हम मंदिर के ही है, BAPS सोमनाथ मंदिर से। वरना मऊदा तहसील से NBCN न्यूज़ के लिए संजय गिरडे के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।